हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सचेंज यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट डाउनसाइड को मोमेंटम ले सकती है, तो आज देख सकते हैं आप कि हमें बेयरिश कैंडल देखने को मिली है और हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल था 72,875 एग्जैक्टली, उसी से ही मार्केट जो है सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब हम वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से हम मार्क कर देखते हैं कि हमने जो लेवल्स मार्क किए थे उनका एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो देखिए, हमने डाउनसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था और हमने कहा था कि 73,752 से नीचे आती है मार्केट तो हमारे पास 73,447 का टारगेट और 73,224 का टारगेट रह सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमें यही दोनों टारगेट हिट करके दिए हैं, यानी कि डाउनसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था और वही मार्केट ने हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी में हमारे जो टारगेट थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। इसमें भी देखिए, डाउनसाइड का मोमेंटम आया है और हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, हमने किया था कि मार्केट इस पहले जो सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन है, इससे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कैंडल्स ने 3 घंटे तक मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेती रही है। इसको ब्रेक कर दिया तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है 24.02 का और 23.92 का। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद हमारे दोनों ही टारगेट्स को हिट करके हमें दिया है। तो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात कर रहे थे कि कल क्या मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं कल के लिए। तो देखिए, यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है, वॉल्यूम भी कम आया है और वॉल्यूम और भी कम होता नजर आ रहा है यहाँ से। तो देखिए, अपसाइड पे जा सकती है मार्केट क्योंकि हमारे पास 23.923 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। तो सिल्वर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए मार्केट अपसाइड को मोमेंटम लेती नजर आ रही है। लेकिन इससे ऊपर जो है हमें लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे दो लेवल्स हमें मिल गए हैं यहाँ पर। इसके ऊपर भी अगर हम एक और लेवल कंसिडर करते हैं तो 24.204 का लेवल रह सकता है। तो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट काम करने वाली है। तो इस लेवल को, सब जो ब्लू लाइन है, सबसे पहले इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे क्योंकि हमारा डिसिसिव लेवल है और उसके 24.0266 का भी लेवल जो है हमारा डिसिसिव लेवल है, इसको भी ब्लैक मार्क करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे कि अगर मार्केट ने 24.0266 को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 24.098, 24.20 और 24.27 के लिए। अगर मार्केट ने 23.92 ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकती है 23.80 और 23.72 के लिए। तो ये लेवल्स आप इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम एक्सजी सिल्वर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड में। अब हम बात कर लेते हैं कि कल कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है उस टाइम पर, मल्टीपल टाइम पर हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेजरली इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स है जिसपे हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 11:30 बजे और 6 बजे के अराउंड डाटा आने वाला है। 11:30 बजे आपका जीबीपी का डाटा आने वाला है और ईयूआर का डाटा आने वाला है। तो जीबीपी और ईयूआर में हमें एक इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी चेंज हो रही है, फॉरकास्टेड फिगर्स हैं और प्रीवियस फिगर्स हैं, और एक्चुअल फिगर्स मान लीजिए अगर ये ज्यादा आते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ी हुई आती है, 551 आती है, तो इस केस में हमारे को जो जीबीपी यूएसडी में एक हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो जीबीपी यूएसडी में आप मार्क कर लीजिए, इस टाइम में हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आया, मान लीजिए यहाँ पे 4 एक्सपेक्टेड है, आया 3.95 आ जाता है, यानी कि कम आता है, तो यानी कि इसका मतलब ये कि मार्केट अभी भी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है। तो इस केस में हमारे पास फिर से जीबीपी यूएसडी में अपसाइड को मूव देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, हमने मल्टीपल टाइम्स पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो सीपीआई का डाटा जो है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव बात रहती है। तो यहाँ पे देखिए, नेगेटिविटी बनी हुई है, यहाँ पे 0.4% जो है प्रीवियस फिगर्स था, -0.1% एक्सपेक्टेड, यानी कि कम एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन नेगेटिव जा रही है। तो इस केस में हमारे पास ईयू और यूएसडी में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो ईयू और यूएसडी इस केस में ऊपर की नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अगर ईयू और यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑपोजिट करेंसी यानी कि यूएस डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसमें हमारा डीएक्सवाई के ऊपर इंपैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ेगा, डीएक्सवाई हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है और हमारा जो सिल्वर है, हमारा एक्सजी यूएसडी,
ये हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से डाटा के पॉजिटिव आने पर इम्पैक्ट पड़ रहा है डॉलर इंडेक्स पे। बेसिकली ये जो 11:30 बजे वाला डाटा है, ये जैसा भी आएगा इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा डॉलर के ऊपर पड़ेगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट, स्ट्रेट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा डॉलर इंडेक्स का गोल्ड के ऊपर। उसके बाद 6 बजे सीपीआई का डाटा आने वाला है। ये जितना भी पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए 4.1 एक्सपेक्टेड है, ये 4.95 आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो इस केस में डॉलर इंडेक्स जो है फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इस टाइम पे हमें। तो 6 बजे के टाइम को आप नोट कर लीजिए, 6 बजे एक इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, हमें काफी हेल्प कर सकता है। आगे अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, कितने फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर गो थ्रू कर लीजिए। साथ ही हमने लिंक भी ऐड किया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody, take care and keep on earning profits. Good night.